हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एकदम मेट्रो की अच्छी भर्ती लेके आया हूँ। और मेट्रो में अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो दोस्तों आज से आवेदन करना शुरू कर दे, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है शुरू और पंजीकरण ऑनलाइन होगा। कैसे करेंगे, मेट्रो के बारे में पूरी नौकरी के बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखें और हमारे चैनल को जल्दी कर लें सब्सक्राइब। आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यानी कि आप प्राइमेट से लेके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो दबा ले बेल आइकन बटन को और हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एक अच्छी भर्ती के बारे में, जो मेट्रो विभाग से निकली हुई भर्ती है, रेल मेट्रो। काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे कि रेल मेट्रो किस किस लेवल से और कौन से लेवल से भर्तियां निकलती है। तो माय डियर्स, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये उत्तर प्रदेश से निकली हुई भर्ती है। काफ़ी दिनों पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं नोटिफिकेशन पे। कई स्टूडेंट नए हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है, वो स्टूडेंट एक बार देख लें। आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप इन पोस्टों पर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप इसके लिए इच्छुक हैं तो जल्दी करें आवेदन। मैं लेके चल रहा हूँ आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर मैं आपको इसका विवरण देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने एक साइड के ज़रिए इसका नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी थी, मैंने इसका लिंक यानी कि नोटिफिकेशन पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, वो मैंने डाउनलोड कर रखा, आप वहाँ से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेट्रो लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी कि LMRC, जिसका नाम है लखनऊ रेलवे कॉरपोरेट लिमिटेड। मेट्रो विभाग से निकली हुई। OBC की पैसों की बात करें इसमें फीस के बारे में, तो OBC कैटेगरी की 90 रुपये, जबकि SC कैटेगरीज जो इसमें 236 रुपये, GST 18% बैंक शुल्क के द्वारा इसमें दिया हुआ है। आखिरकार ये आप अच्छे से जानते होंगे कि ये 236 रुपये SC और ST उम्मीदवारों से इतना क्यों, और जबकि OBC कैटेगरी से ये। तो दोस्तों OBC और जनरल कैटेगरी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, आपके लिए पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आवेदन शुल्क सिर्फ 90 रुपये और 18% GST जोड़ देने के बाद आपका शुल्क यानी कि जो भी सर्विस चार्ज होगा वो सारा ऐड कर दिया जाएगा। आवेदन शुरू हो चुका है 22 नवंबर से और ये आवेदन 23 दिसंबर तक चलने वाला है। एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे, यानी कि जनवरी में आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी और फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। ये बातें क्लियर हो चुकी है, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं आयु सीमा के ऊपर। 21 से 28 वर्ष वाले स्टूडेंट आवेदन करेंगे, जबकि SC और ST भूतपूर्व सैनिकों को नियम अनुसार छूट भी दी जाएगी। तो ये है पोस्टों का विवरण, जिसमें आप लोग सहायक सिविल, सहायक सहायक विद्युत, बिजली विभाग की पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, बीटेक लेवल से लेके डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बैचलर डिग्री वाले भी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका विवरण। अब पहली बार आवेदन कर रहे हैं या फिर आप पहले कभी लॉगिन कर सके तो आप लॉगिन पे करें, या फिर इसके पंजीकरण पे आप क्लिक करें। तो दोस्तों पंजीकरण पे क्लिक करते ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऐसे किसी साइट के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आवेदन कर रहे हैं तो आप उसके मेनू को क्लिक करें, मेनू को क्लिक करने के बाद कैरियर को क्लिक करें, कैरियर को क्लिक करने के बाद वहां पे सारा विवरण आपके सामने खुल जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। छः चरणों में फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। पहले चरण में आपको क्या करना है, आपकी ID और पासपोर्ट पंजीकरण करना होगा। दूसरे चरण में आपको SMS द्वारा मिले हुए ID यानी ईमेल को वेरिफिकेशन वापस इसमें लगाना होगा। आवेदन पत्र भरने के तीसरा चरण होगा आपका। तीसरे चरण में आप अपना फॉर्म फिल करें। चौथे चरण में फ़ोटो अपलोड करें और सिग्नेचर अपलोड करें और पाँचवें चरण में आप शुल्क दें।
और छठे चरण में, छह चरणों में आप फॉर्म फिल आराम से कर सकते हैं। तो पंजीकरण करने के लिए आवेदन का नाम, आवेदन का पिता का नाम, आवेदन की माता का नाम, मोबाइल नंबर, बायोडाटा आप यहाँ पे फिल करें और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी ईमेल को चेक करें, सारा आपको बायोडाटा वहाँ से मिल जाएगा। तो ये था विवरण। अगर डियर्स आपको इससे रिलेटिव किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी मदद करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहें, आपके लिए ढेर सारी भर्तियाँ लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।